उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक पुलिसकर्मी पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने बताया कि जो शिकायत उसने की थी उसके निस्तारण के बदले सिपाही ने उसके सामने ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नमस्कार, मैं हूं अनु सिरसवाल और आप देख रहे हैं ANV न्यूज। महिला ने बताया कि सिपाही ने उसके सामने शारीरिक संबंध यानी फिजिकल रिलेशन बनाने की शर्त रख दी। महिला ने यह भी बताया कि जब उसने विरोध किया तो सिपाही महिला से फिर घूस मांगने लगा। मिली जानकारी के मुताबिक घटना जामो थाना क्षेत्र की है। इस क्षेत्र में आने वाले गांव की महिला ने थाने में तैनात सिपाही राकेश सिंह पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में महिला बता रही है कि भूमि विवाद के संबंध में शिकायती पत्र लेकर वो थाने पहुंची तो उसकी मुलाकात सिपाही राकेश सिंह से हुई। सिपाही ने शिकायती पत्र लेकर मौके का निरीक्षण करने की बात कहकर उसे घर भेज दिया। महिला के अनुसार सिपाही उसके गांव पहुंचा और विवादित स्थल का मुआयना किया। इसके बाद उसके पक्ष में रिपोर्ट लगाने के लिए पहले महिला को अपने कमरे में आकर खाना बनाने के लिए कहा। महिला का आरोप है कि जब उसने असमर्थता जताई तो सिपाही ने कहा कि इसके लिए तुम्हें जुर्माना भरना होगा। आरोप ये भी है कि जब महिला ने सिपाही से जुर्माने के बारे में पूछा तो उसने कहा कि या तो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ या फिर आर्थिक लाभ पहुंचाओ। महिला के आरोप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला ने उच्च अधिकारियों से सिपाही के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। इस पर संज्ञान लेते हुए SP ने महिला थानाध्यक्ष को मामले की जांच का आदेश दिया है।